नमो भगवते रुद्राय, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव पुराण की श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड के 17वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से पापी व्यक्ति गुणनिधि इतने पाप करने के बाद भी सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा पुण्य उसने किया जो भगवान शिव के धाम में उसे स्थान दिया गया। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड 17वां अध्याय, पापी गुणनिधि की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान शंकर कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर से उनकी मित्रता कहाँ और कैसे हुई? प्रभु शिव जी कैलाश पर क्या करते हैं, कृपया कर मुझे बताइए, इसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं तुम्हें चंद्रमौली भगवान शिव के विषय में बताता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञ दत्त दीक्षित नामों का एक ब्राह्मण रहते थे जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े पारंगत थे। उनका गुणनिधि नामक एक 8 वर्षीय पुत्र था। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया था। वह हर वक्त खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और उनकी किसी भी आज्ञा को भी नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती थी कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी। वह उसे यह भी समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिता को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को ही मार डालेंगे, परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हराया। देव योग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी तो उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं, उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा घर से धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान पाए। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और अपना मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर गुस्से में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा और अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा, तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है, मुझे जल्दी से दो। पंडित जी की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया, मुझे स्मरण नहीं कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी अधिक क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसलिए मैं जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित जी घर के अन्य सामानों को ढूंढने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु ना मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर पंडित जी ने अपनी पत्नी को और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 18वां अध्याय, गुणनिधि को मोक्ष की प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भोग प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया।
उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीपक जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। तभी उसे पकड़ने के लिए सभी दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उनका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुण निधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिव जी के भोग की भी चोरी की है और इसने अत्यधिक पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुण निधि ने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़ कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर इसे जलाया और दीप दान किया। इसने अपने पिता के श्री मुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किए हैं, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा। वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। अतः यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए और उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी। यमराज इस प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिए। तत्पश्चात गुण निधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे, उसे उनके सामने लाया गया। गुण निधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दिया। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुण निधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी भी सेवा उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुण निधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 19वां अध्याय, गुण निधि को कुबेर पद की प्राप्ति। नारद जी ने प्रश्न किया, हे ब्रह्मा जी, अब आप मुझे यह बताइए कि गुण निधि जैसे महापापी मनुष्य को भगवान शिव द्वारा कुबेर पद क्यों और कैसे प्रदान किया गया। हे प्रभो, कृपा कर इस कथा को भी बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शिव लोक में सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन कर वह अगले जन्म में कलिंग के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम दम था। बालक दम की भगवान शंकर में असीम भक्ति थी। वह सदैव शिव जी की सेवा में लगा रहता था। वह अन्य बालकों के साथ मिलकर शिव भजन करता। युवा होने पर उसके पिता अरिंदम की मृत्यु के पश्चात दम को राज सिंहासन पर बैठाया गया। राजा दम सब ओर शिव धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। वे सभी शिवालयों में दीप दान करते थे। उनकी शिव जी में अनन्य भक्ति थी। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले सभी ग्राम अध्यक्षों को यह आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य है। अपने गांव के आसपास जितने शिवालय हैं वहां सदा दीप जलाना चाहिए। राजा दम ने आजीवन शिव धर्म का पालन किया। इस तरह वे बड़े धर्मात्मा कहलाए। उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए। इसके फलस्वरूप वे दीपों के प्रभाव के आश्रय हो मृत्यु प्रांत अलकापुरी के स्वामी बने। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव का पूजन वो उपासना महान फल देने वाली है। दीक्षित के पुत्र गुण निधि ने जो पूर्ण अधर्मी था भगवान शिव की कृपा पाकर दिक्पाल का पद पा लिया।
अब मैं तुम्हें उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता के विषय में बताता हूँ। नारद, बहुत पहले की बात है, मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में बहुत कठोर तप किया। उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा रचित अलकापुरी का उपभोग किया। मेघ वाहन कल्प के आरंभ होने पर वे कुबेर के रूप में घोर तप करने लगे। वे भगवान शिव द्वारा प्रकाशित काशीपुरी में गए और अपने मन के रत्नमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित कर वे तन्मयता से शिव जी के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से उनकी उपासना करने लगे। वहां उन्होंने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की, उत्तम पुष्पों द्वारा शिवलिंग का पूजन किया। कुबेर पूरे मन से तप में लगे हुए थे। उनके पूरे शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा और चमड़ी ही बची थी। इस प्रकार उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति उमा के भव्य रूप के साथ कुबेर के पास गए। अलकापति कुबेर मन को एकाग्र कर शिवलिंग के सामने तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने कहा, अलकापति, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। यह सुनकर जैसे ही कुबेर ने आंखें खोली तो उन्हें अपने सामने भगवान नीलकंठ खड़े दिखाई पड़े। उनका तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। उनके तेज से कुबेर की आंखें चौंधिया गई। तत्काल उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव से बोले, हे भगवान, मेरे नेत्रों को वह शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर सकूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव ने अपनी हथेली से कुबेर को स्पर्श कर देखने की शक्ति प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर वे आंखें फार फार कर देवी उमा की ओर देखने लगे। वे सोचने लगे कि भगवान शिव के साथ यह सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने ऐसा कौन सा तप किया है जो इसे भगवान शिव की कृपा से उनका सामिप्य रूप और सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे देवी, उमा को निरंतर देखते जा रहे थे। देवी को घूरने के कारण उनकी बाई आंख फूट गई। शिव जी ने उमा से कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, यह तुम्हारे तप बल को जाने की कोशिश कर रहा है। फिर भगवान शिव ने कुबेर से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम समस्त निधियों और गुह्य शक्तियों के स्वामी हो जाओ। सुव्रतों, यक्षों और किन्नरों के अधिपति होकर धन के दाता बनो। मेरी तुमसे सदा मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास सदा निवास करूँगा, अर्थात तुम्हारे साथ अलकापुरी के पास ही मैं निवास करूँगा। कुबेर, अब तुम अपनी माता उमा के चरणों में प्रणाम करो, ये ही तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी कहते, नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने देवी से कहा, हे देवी, यह तुम्हारे पुत्र के समान है, इस पर अपनी कृपा करो। यह सुनकर उमा देवी बोली, वत्स, तुम्हारे भगवान शिव में सदैव निर्मल भक्ति बनी रहे। बाई आँख फूट जाने पर तुम एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो तुम्हें वर प्रदान किए हैं वे सुलभ हैं। मेरे रूप शीर्षक के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। कुबेर को वर देकर भगवान शिव और देवी माँ अपने धाम को चले गए। इस प्रकार भगवान शिव और कुबेर में मित्रता हुई और वे अलकापुरी के निकट कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। नर जी ने कहा, ब्रह्मा जी, अब धन्य हैं, आपने मुझ पर कृपा करके इस अमृत कथा के बारे में बताया है। निश्चय ही शिव भक्ति दुखों को दूर कर समस्त सुख प्रदान करने वाली है। श्री रुद्र संहिता प्रथम खंड का 20वां अध्याय, भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद मुनि, कुबेर के कैलाश पर्वत पर तप करने से वहां पर भगवान शिव का शुभ आगमन हुआ। कुबेर को वर देने वाले विशेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में, जिसका जन्म ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है और जो संहारक है, कैलाश पर्वत पर निवास करूँगा। शिव की इच्छा से कैलाश जाने के इच्छुक रुद्र देव ने जोर जोर से डमरू बजाना शुरू कर दिया। वह ध्वनि उत्साह बढ़ाने वाली थी। डमरू की ध्वनि तीनों लोकों में गूंज रही थी। उस ध्वनि में सुनने वालों को अपने पास आने का आग्रह था। उस डमरू ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मुनि, वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग
बड़े उत्साहित होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी भी वहां पहुंचे। सभी गणपाल सहस्रों भुजाओं से युक्त थे, उनके मस्तक पर जटाएं थी, सभी चंद्रचूर नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से वे अलंकृत थे। भगवान शिव ने विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास बनाने की आज्ञा दी। अपने वो अपने भक्तों के रहने के लिए योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों सुंदर से निवास वहां पर स्थान बना दिए। उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। इस मधुर वेला पर सभी देवताओं ऋषि मुनियों और सिद्धों सहित ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी व उमा का अभिषेक किया। विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति की। प्रभु की आरती उतारी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा हुई। इस समय चारों ओर भगवान शिव तथा देवी उमा की जय जयकार हो रही थी। सभी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनवांछित वस्तुएं भेंट की। तत्पश्चात भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवता अपने अपने निवास को चले गए। कुबेर भी भगवान शिव की आज्ञा पाकर अपने स्थान अलकापुरी को चले गए। तत्पश्चात भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। वे योग साधना में लीन होकर ध्यान में मग्न रहते। कुछ समय तक वहां अकेले निवास करने के बाद उन्होंने दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया। देवर्षि अब रुद्र भगवान देवी सती के साथ वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा सुनाई है। तुम्हें शिव जी वो कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताया है। उनकी भक्ति तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाली तथा मनवांछित फलों को देने वाली है। इस लोक में ही नहीं परलोक में भी सदगति की प्राप्ति होती है। इस कथा को जो भी मनुष्य एकाग्र होकर सुनता या पढ़ता है वह इस लोक में सुख और भोगों को पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। वे बोले, हे प्रभु, आपने मुझे ये समृद्ध कथा को सुनाया है। आप महान ज्ञानी हैं, आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मैं आपका भाड़ी हूँ। शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमन करता हूँ। इस प्रकार से श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड के 20वें अध्याय की समाप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव। ओम नमो भगवते रुद्राय। अगले वीडियो में हम श्री रुद्र संहिता के प्रथम खंड के 21वें अध्याय के बारे में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।